हेलो फ्रेंड्स, तीन महीने में स्टॉक बढ़ा है और इंडेक्स बढ़ा है। ये रेड लाइन है वो EMA 20 डेज की लाइन है, ये ब्लू लाइन है वो EMA 50 डेज की लाइन है। आज 52 वीक हाई बनाया है हायर वॉल्यूम के साथ, बढ़िया चार्ट। निफ्टी इज मेकिंग ऑल टाइम हाईस। निफ्टी जिस तेजी से ऊपर गया है उस तरह की तेजी मैं पहली बार देख रहा हूँ। करेक्शन तो आया ही नहीं, मार्केट सिर्फ वन साइड चली है। ऐसी सिचुएशन में अगर रिवर्सल होता है तो इन्वेस्टर्स को नुकसान भी बड़ा ही होता है। EMA 50 के ऊपर EMA 20 और EMA 20 के ऊपर स्टॉक प्राइस, मतलब स्टॉक अप ट्रेंड में है। प्राइसिस जब मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रही है तब मूविंग एवरेज के पास प्राइस आने पर बाइंग करनी चाहिए और दूरी बढ़ने पर सेलिंग कर सकते हैं। स्टॉक प्राइस ने यहां पर EMA 20 का सपोर्ट लिया। स्टॉक प्राइस ने यहां पर EMA 50 का सपोर्ट लिया। EMA 20 डेज की लाइन जो रेड लाइन है वहां से प्राइसेस बहुत दूर है। स्टॉक प्राइस जब EMA 20 के लेवल से ऊपर की तरफ हो और दूरी पर हो तो बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आएगा और प्राइस नीचे जाएगी। अगर किसी और स्टॉक के लिए आपको ऐसा ही वीडियो देखना है तो आप YouTube सर्च में लिखें CA प्रशांत शाह और शेयर का नाम। जैसे आपको रिलायंस का वीडियो सर्च करना है तो CA प्रशांत शाह रिलायंस और सर्च करें, आपको ऐसी ही वीडियो मिल जाएगी। कल प्राइस की ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है, दो तीन दिनों का टारगेट। थैंक यू।